बंगोपसागर में सृष्टि हेला लघुचाप बुधवार नेब बात्यार रूप गुरुवार छुईपारे ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल पाणीपाग विभाग सूचना लैंडफॉल बेले सर्वाधिक 120 किलोमीटर जाए रहिबो पवन बेग उपकूल और आभ्यंतरीण ओडिशा रे हेबो अति प्रबल वर्षा पुरी खोर्धा गंजाम जगतसिंहपुर जिला को रेड आलर्ट आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र सूचना 24-25 तारीख ओडिशा पाई गुरुत्वपूर्ण ऑनलाइन रे अधिक आलोचना करने आम प्रतिनिधि कविता स्वाई उपस्थित रहउछन्ती। कविता जहां आकलन करा जाउथला सत हला सकाळु सकाळु बात्या लघुचाप रूप नहीं किंतु जमती कहा जाउथला बात्यार रूप कौन हेबो एवं बात्यार प्रभाव केमती रहिबो एवं बात्या किभली भाव में अतिक्रम करिबो एवं खास करी केउ स्थान रे अतिक्रम करिबो स्थल भाग छुइबो एने चित्र स्पष्ट हलाणी कि वर्तमान सुधा देखंथु रश्मिराजन गोटे कथा कही पार आज सका लघुचाप क्षेत्र में परिणत हो घूर्णबड़ पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर से लघुचाप सृष्टि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिखक गति करने अधिक घनीभूत हो गए अवपात 22 तारीख बेलू गोटे अवपात रूप हम परवर्त पर्यायर सामुद्रिक झड़ बात्यार परिणत हम अर्थात 23 तारीख बेलू अवपात अधिक घनीभूत हो बात्यार रूप नब बोली जहां आकलन कर पाणीपाग विभाग पक्षर अंपटे जदि ये लघुचाप टी बात्यार परिणत होबे तार नाम रखा जार ना रही दाना एवं जो कथा कह जाता लघुचाप प्रभाव में 23 तारीख तार राज्य में बर्षा आरंभ अर्थात 23 तारीख 24 तारीख एवं 25 तारीख यही तीन दिन पूरा राज्य में भारी बर्षार संभावना रही समय पवन रेग 120 किलोमीटर जाए रही है जहां आकलन करीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रूप नब से समय समुद्र जुआर मध्य अधिक रही समुद्र अशांत रोपाई कि आसंता का सुधा मानने अर्थात मत्स्यजीवी मान को समुद्र मध्य फेरी आसवा परामर्श दी और 25 तारीख पर्यंत मत्स्यजीवी मान को समुद्र मना करें जब कह बात प्रभाव कथा जो जहां आकलन हो तबे 23 तारीख बेलू 10 जिला को वार्निंग जारी कर 26 तारीख भीषण बर्षार संभावना रही है विशेषकर खोर्धा गंजाम पुरी जगतसिंहपुर यह जिला गुड़ प्रबल अति प्रबल बर्षा आकलन कर विशेषकर उपकूल ओडिशा और आभ्यंतरण ओडिशा रे प्रभाव रहा गतकाली गोटे बैठक बसी किभली भाव में संगठित होता बात्यार मुकाबला करा जाई पारिब एवं आउ कौन कौन सब पदक्षेप मान ग्रहण करिबार बैठक रे निष्पत्ति होई छी एने तथ्य कौन आपण को पाखरे देखंदो जतबेले बात्या आसे ततबेले राज्य सरकार प्रस्तुत खांते बात्या कथा आसी बैठक मानने संभाव्य बात्या को लेकिन केमती मुकबिला करने बैठक डक एसआरसी पक्षर 11 बेले बैठक डक जीरो कैजुआलिटी जो कथा कह जाए जीरो कैजुआलिटी लक्ष्य नहीं सरकार कम कर सूचना मिली आम जब कह जिते स्पष्ट चित्र आसू से सरकार सजाग अच्छा भाव में कम कर कौन से क्षतिग्रस्त जमी कहीं भी क्षतिग्रस्त है क्षतिग्रस्त व्यवस्था करा नजर रखु आम जदि कह कि बात्यार गतिपथ कड़े बात्या को लेकिन बर्तमान पूरा स्पष्ट चित्र जेहतु आसी पारिना जहां आकलन कर बात्या ओडिशा और पश्चिमबंग उपकूल देखिए अतिक्रम कर कविता जदि आम देखा बात्यार प्रभाव में जो 100-120 किलोमीटर बेगर पवन बहबार आकलन करा समुद्र रे उच्च जुआर आसबार गोटे प्रकार आकलन करा पाणीपाग विभाग तरफ तो जेहेतु समुद्रकूलिया अंचल रोकवा लोक मानी विपद भी रही तलिया अंचल लोक मानी विपद रही जेहेतु बनार आशंका करार कर आवश्यकता के देखो गोटे कथा जमी कहले कि बात्या आसने बात्या ही चिंतार था कहीं विशेषकर आम जिते बात्या सम्मुखीन आई विशेषकर प्रभावित होता उपकूलिया अंचलवासी जमीक पुरी कथा कहतु जगतसिंहपुर कथा कहतु गंजाम गजपति यह सब जिला गुड़िक लोक मैंने विशेष भाव में प्रभावित होता तो से भाव में
କେମିତି ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ କୌଣସି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ। ବାତ୍ୟା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସାରିଛି ଏବଂ 22 ତାରିଖରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ, 23 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଦାନା ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ ଏବଂ ପୂରାପୂରି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ଏବଂ ବାତ୍ୟାର ରୂପରେଖ କ'ଣ ରହିବ, ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସହିତ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ସେ ନେଇ ସବିଶେଷ ଖବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିବ। ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ କବିତା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସବୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ SRCଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବ କି ନାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଜିଠାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ସେପଟେ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ୍ରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ NDRF ଆଜି ବସିବ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ SRC ଓ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛୁ, ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର, ସବୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ SRCଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବ କି ନାହିଁ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେବେ। ଆଜିଠାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ସେପଟେ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ NDRF ଟିମ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।